शारदा आ गए हैं। ओलू हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी जस्ट हम उठे हैं, बिकॉज आज तो हमको वापस हल्द्वानी के लिए निकलना है ना, कोई काम तो है नहीं, तो आराम से उठे हम। तो अब फिलहाल निकलते हैं हल्द्वानी के लिए, जल्दी से रेडी होते हैं। सो गाइज, अभी जाने के लिए तो रेडी हो गए हैं, पहले गाड़ी में सामान रख देते हैं फिर चलेंगे। 7 जने कैसे आएंगे बीच में? पीछे एक जना बैठ जाएगा, एक सीट फोल्ड कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। खुल जा, वो रही हमारी गाड़ी। तो अभी गाइस फाइनली सभी के सभी रेडी हो चुके हैं और अब हम निकलते हैं। और आज हमारे घर पे प्रिया, बब्बू एंड सिस्टी भी जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। इनको ओरियो से मिलाएंगे। प्रिया को ना कुत्तों फोबिया है, इसको कुत्तों से बहुत डर लगता है, मतलब कुत्तों के पास भी नहीं भटकती है। तो अब ओरियो के साथ में देखते हैं कैसा रिएक्शन रहता है। तो अभी सभी बैठ चुके हैं अपनी अपनी सीट पे और रेडी है निकलने के लिए। साइलिया बैठा, बाकी बच्चा पार्टी सब पीछे। अरे मैंने आपको अभी तक नहीं बताया कि हम थे कहाँ, हमारा शूट कहाँ था, अब बता देता हूँ। अब हम निकल चुके हैं, हम थे देहरादून में, 3 दिन थे हम वहाँ पे, मस्त शूट हो गया। तो अभी गाइस फाइनली हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं एंड सामने है गंगा नदी। जय हो जय हो। तो अभी पहला ब्रेक लिया, एक मस्ती लोकेशन देखी हमको। तो अभी दिन के 1 बज चुके और अभी तक सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, भूख भी लग रही है, तो समझ नहीं आ रहा रुके कहाँ पे। गहरा है क्या? बहुत गहरा, सीढ़ियां यहाँ पे। चलो फिलहाल चलते, थोड़ी देर रुके यहाँ पे, रिलैक्स करा। एक्चुअली गाड़ी चलाते थे ना, पैर थोड़े से वो हो जाते हैं, तो पैरों को भी आराम देना जरूरी है। उल्टी उल्टी तो नहीं आ रही? आई तो बता देना, गाड़ी में मत करना। और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, सावधान हाथी। तो अभी गाइस पंगा हो गया, 2 ट्रक टकरा चुके हैं। ये देखो, ये बिल्कुल भिड़ के जा रहा है। भाई इतने सारे गन्ने गिर गए इसके, मैंने तो अपनी गाड़ी साइड लगा ली एकदम, क्योंकि गन्ने वालों का भरोसा नहीं है। अरे आगे 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 भाई, अपने ऊपर ना गिर जाए। निकल जा, निकलो निकलो निकलो। 2 ट्रक और हैं यहाँ पे। ओ ट्रैक्टर भी है, एक ट्रक और आ गया पीछे से। तो अभी हम हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंचे हैं रुद्रपुर। तो याद आया कि साहिल का फोन दे रखा था हमने एप्पल स्टोर पे। तो अभी हम मॉल पे पहुंच गए हैं, गाड़ी यहाँ पार्क कर दिया, जल्दी से ऊपर चलते हैं। तो एप्पल स्टोर पे पहुंच गए, कोई है ही नहीं यार यहाँ, तो बंद है क्या? अबे यार, तो यहाँ पे आके पॉपट हो गया है, ये तो बंद पड़ा है। अब चलते हैं वापस, फोन लेने के लिए हमको कल आना पड़ेगा। अभी जाते हैं सीधा घर पे, यहाँ से 15-20 मिनट लगेंगे बस। तो अभी फाइनली हल्द्वानी पहुंच गए हैं एंड पीरू को डर लग रहा है ओरियो से, इसको कुत्तों फोबिया है। देखो एक ट्रिक है ओरियो से बचने की, ओरियो आएगा सूंघेगा, थोड़ा सा उछलेगा, कुछ रिएक्ट मत करना। अगर आपने रिएक्ट किया, अगर आपने उछले, अगर आप भागे, काटेगा तो फिर भी नहीं, पीछे भागेगा। हाँ अगर आप भागे तो आपके पीछे ऑब्वियसली भागेगा ही वो। अरे ओरियो तो बाहर ही है, ओरियो तो बाहर ही है। नमस्कार, शारदा आ गए हैं। ओलू अरे कुछ नहीं होता यार। अबे आ जाओ आ जाओ। अरे डरो मत ना, ठीक हो? कैसा रहा शूट? मस्त। 2 गाने शूट करके आऊं, एक भाई वाला और एक दूसरा। कुछ नहीं करता ये छलांग मार के इधर तो नहीं आ जाएगा ना? इनके प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो मम्मी जी ने खाना बना दिया, मैंने मम्मी जी को बोल दिया था, बिकॉज हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था ना, क्योंकि मुझे खाना था घर का, होटल खा के फिर अजीब सा जाता है। तो मम्मी जी ने मस्त दाल चावल बना दिया सबके लिए, रास्ते में किसी ने नहीं खाया, हमने कुछ भी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया फिर? वैसे ही मन नहीं कर रहा। सुबह खा के आए? नहीं, सुबह भी नहीं खा के। फिर ये कैसा तेरा सिस्टम है, पूरा दिन भूखा रहना, उनको भी भूखा रख दिया साथ में, ये कोई बात है बेटा? सुबह नाश्ता जरूर करके आते, चल दिन में नहीं भी खाते। सुबह हम लेट निकले ना, लेट निकले तो जब निकले थे तब खा के आते ना, अब ठीक था शाम का टाइम। ओ अम्मा प्रणाम प्रणाम। अम्मा इसका नाम बताओ। नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। कैसा लग रहा है घर पे? डर लग रहा है, ये तो क्यूट सा है, वो कहाँ डर रहा है? तो अभी खाना रेडी हो गया, चलो। मम्मी जी ने मस्त दाल चावल बना दिए। भाई कैसे चढ़ रहे,
भाई कर के। चलो आज शुभम सर्व करेगा सबको, मस्त है ना। कभी आप आओगे तो आप भी ट्राई करना मम्मी के हाथ का खाना, मस्त होता है, मजा आ रहा है। तो ये पीरो मेरी आर्टवर्क देख रही है और इसमें गलतियां निकाल रही है। गलतियां नहीं निकाल रही मैं। अरे ओरियो नहीं है। अरे क्या कर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है भाई, कुछ कर भी रहा है? तो अब फिलहाल शुभम जा रहे हैं अपनी स्कूटी लेके। इसकी स्कूटी 3 दिन से यहीं खड़ी थी, काफी मजा आया साथ में। हाँ यार, ये है मेरा रूम, फिर उसका गेमिंग पीसी। हाँ ये सिल्वर है, वो गोल्डन है, अब डायमंड भी आने वाला है। आपको ऑटो दिखाऊं? तो ये है सारी मेरी A4 साइज की। जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था ना, तब की है, मतलब तब मैं ऐसे ही बनाता था। बड़ा मजा आता है किसी आर्टिस्ट को अपना आर्टवर्क दिखाने में, पता है उसको, क्योंकि उसको नॉलेज होती है ना चीज़ों के बारे में, तो वो ही अच्छे समझ पाता है। ये नॉर्मल पेपर को दिखाऊंगा उसके, तो हाँ यार बना देते, बना दी होगी, बना दी होगी। तो मेरे आर्टवर्क देख के मुझे रोस्ट किया जा रहा है कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। देखना भाई, अब कॉलेज ऑफ आर्ट के स्टूडेंट है यार, मैंने तो खुद से सीखा, खुद से बनाना। ये आर्टवर्क मेरे उस टाइम के हैं जब मेरे पास पेपर के पैसे नहीं होते, मतलब पेपर नहीं होते मेरे पास। ये देखो, बच्चों की प्रैक्टिकल जो फाइल होती है ना, उसमें से निकालता था मैं, जो पेज मुझे खाली मिल जाए ना, लाइक इस साइड ही खाली है, इस साइड उन्होंने काम कर रखा है, तो मैं स्कूल में जाके उनकी प्रैक्टिकल फाइल में से निकाल के, जहाँ पे मुझे खाली मिल जाए, बस मुझे खाली मिल जाए, बस खाली पेज मिल जाए, बस इस साइड से कुछ भी हो खाली मिल जाए। देखो ये भी ऐसी है, ये देखो ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, ये सारे ऑलमोस्ट ऐसी हैं, ये भी ऐसा ही है। पीयूष, साहिल, लेकिन हमारे घर में भी ऐसी होता है, 11 बजे हम तो लेट उठते हैं ना सारे। ये भी सब लेट उठते हैं, हमारी मम्मी भी यही बोलती है कि फायदा तो है नहीं दिन में बनाने का, तुम सुबह ही खा लो। तो फिर उन्होंने मेरी सारी फाइल्स तो देख ली है, एंड अब ये मेरे सारे ड्राइंग मटेरियल्स पे नजर मार रही है, और हमारी चाय भी आ गई है। मैं रिलेट कर सकता हूँ, पता है मैं भी ऐसे ही करता हूँ, कहीं जाता हूँ ना जहाँ भी मुझे आर्ट मटेरियल्स दिख जाए ना, बस सारे खोल वाल के। हाँ, when two artists meet together. ये देखो गाइस, सारा दूध सिर पे गिरा दिया ओरियो की वजह से, बहुत बढ़िया। कैसे हुआ है? अरे ओरियो आया ना, ओरियो भाई, ये सही है, दूध ही दूध। मेरे कैमरे पे भी गिरा है। फोबिया है मुझे, फोबिया। अच्छा है ना दूध? अरे मम्मी का दूध अच्छा ही होता है, मम्मी के हाथ का दूध, मम्मी के हाथ। अरे यार मम्मी का दूध मतलब मम्मी के हाथ का दूध, अरे मतलब मम्मी के हाथ का खाना, दूध, सब कुछ अच्छा होता है, मजा आता है ना। इनको देख के अच्छा लगता है ना। हाँ। कि मतलब इतनी सारी पेंसिल्स यूज कर ली। तो अभी मैं पेरू को दिखा रहा था मेरी यूज्ड पेंसिल्स, जो कि मैंने अभी तक यूज कर ली है ड्राइंग बनाने के लिए। ये नॉर्मल पेंसिल्स हैं, और ये हैं सारी प्रीमियम पेंसिल्स। ये देखो मेरी उस टाइम की गरीबी, ड्राइंग बनाओ जितनी ज्यादा बना सकते हो, पेंसिल खत्म होंगी। तो अभी रात के 12 बज चुके हैं, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, बाकी सब चले गए सोने के लिए। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, और हमारा प्लान है कल शायद कहीं जाने का घूमने का, तो देखते हैं जो भी रहेगा। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। कोई है ये? बता नहीं सकता कौन है गाइस, कमेंट कर बताना कौन है ये, अगर आपको पता है तो।